सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे कि एम्स बीएससी नर्सिंग का आपका सेकंड राउंड अब खत्म होने वाला है। 11 तारीख तक आपका डीडी सबमिशन वाला डॉक्यूमेंट सबमिशन है, उसके बाद आपका जो ओपन राउंड से रिलेटेड नोटिस है वो तभी आएगा जब उनके पास वैकेंट सीट की पूरी लिस्ट आ जाएगी। वैकेंट सीट जैसे आपके सेकंड राउंड के लिए लिस्ट आई थी ना एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट के लिए, वैसे ही जो ओपन राउंड होगा उसके लिए भी जो वैकेंट सीट होंगी उनका पहले एक नोटिस आएगा, देन एक प्रोसीजर जो आपका अप्लाई मतलब अप्लाई करोगे आप एम्स बीएससी नर्सिंग के ओपन राउंड के लिए उसके रिगार्डिंग एक आपका नोटिस आएगा कि उसमें कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, उससे रिलेटेड डीडी कितने की बनती है, आपकी जो डीडी है ना वो आपकी रिफंडेबल है। ठीक है, तो जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं ओपन राउंड के वो इस बात पे भी ध्यान देना कि पिछले साल कितनी सीटें वैकेंट थी और किस रैंक तक लास्ट सेकंड में मिला था, इसी हिसाब से इस साल भी मिलेगा कि सेकंड में कितनी रैंक तक बच्चों को मिला है, उसके बाद कितनी सीट वैकेंट हैं और उस पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर आपके जो रैंक है वो इस बीच में आ रही है कि लास्ट वाले को जितने को मिला है उसके बाद उतनी सीटें बची हैं और उसी के आसपास आपकी रैंक है तो आप सोच सकते हो कि हाँ आपको मिल सकता है कॉलेज। फी रिफंडेबल है, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का टाइम लगेगा रिफ़ंड होने में, बट अगर आपको सीट नहीं मिलती तो आपकी फ़ी रिफ़ंड हो जाती है, और सीट मिल भी जाएगी तब भी आपकी जो फ़ी है आप ओपन राउंड के लिए लगाओगे वो रिफंडेबल होती है। अब मैं बता दूँगी कि किस किस रैंक तक मिल सकता है, और ये सब मतलब जो है ना ये सिर्फ उस बेस पे होगा, जैसे आपका यूआर का 1327 गया है तो आप 1400 तक जो बच्चे हैं वो ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट आपको सीट पोजीशन जो आएगी वैकेंट सीट पोजीशन उसका इंतज़ार करना होगा। एससी एसटी का भी आपका ईडब्ल्यूएस का वेरी करेगा कि किस बच्चे के पास सर्टिफिकेट है, जैसे आपका जो 4903 है एससी वाले 5000 तक इंतज़ार कर सकते हैं। एसटी का भी अगर आप देखोगे ना तो वो सर्टिफिकेट वालों को ही पहले लेंगे जिनका वैलिड सर्टिफिकेट होगा, तो 7 से 8000 तक जा सकता है अगर बच्चे प्रेजेंट होंगे उस लिस्ट में। ईडब्ल्यूएस का भी वही है कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास जो होना चाहिए वो वैलिड होना चाहिए, 4337 है तो आपका 4500 तक जा सकता है ये, और उसमें ये डिपेंड करेगा कि कितने ईडब्ल्यूएस की सीटें बची हैं और कितने बच्चे हैं उस रैंक लिस्ट में आपके ऊपर, आपको ये चीज़ देखनी होगी। फर्स्ट जो रैंक लिस्ट आई थी उसका इंतज़ार करना। ओबीसी का पर्टिकुलरली वेरी करेगा, ये आपका 2100 तक जा सकता है। उसके अलावा जो बच्चे देख रहे हैं कि आपका ओपन राउंड में नहीं हो सकता तो आप नेक्स्ट ईयर की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो पहले से स्टार्ट कर दो, 6 से 7 महीने हैं आपके पास, इन 6 से 7 महीनों में आपको अपनी प्रिपरेशन ऐसे करनी होगी कि आप जो नया कंपटीशन आ रखा है उसको भी कम्पीट करना है आपने। तो जो भी बच्चा टेस्ट सीरीज़ वगैरह अगर ज्वाइन करना चाहता है या कोई भी हेल्प चाहिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछो, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा वहाँ पर एक आईडी और नंबर मेंशन होता है जहाँ पर आप नंबर पर तो आपको टेस्ट सीरीज़ मिलती है मेनली टेस्ट सीरीज़ के लिए, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, बट जो आईडी होगी वहाँ पर आप अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो एम्स बीएससी नर्सिंग या स्टेट बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड। अगर पीजीआई से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो पीजीआई वाले पहले से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करके रख लो। पीजीआई में तो मेन फैक्टर आपका ये भी है ना, इंग्लिश और आपका जनरल इंटेलिजेंस, तो जो भी बच्चा डाउट होगा तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो।